बानी मरहूम वास्ते चौधरी मोहम्मद शरीफ वास्ते एक मरतबा सूरह फातिह कहें तो पढ़ सो तो कोई पढ़ सी सूरह इखलास बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम मालिक यौम الدين इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد अल्लाह दर्जात बुलंद फरमा उस मरहूम के जो सारी जिंदगी कौम हुसैनियत का तारुफ करवा गया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद मजलिसे शबीर में आने से क्या मिलता है क्योंकि बहुत थोड़ा पढ़ना है 78 साल की जिंदगी है ये सारे मजमून मेरे अजीज पढ़ते हैं ये तरतीब असा अपने दौरे कीतियां बैठे होने हैं दुआ करने हैं कोई साडा बंद पढ़ता है कोई साडा लोहा पढ़ता है कोई मसीहा पढ़ता है मैं अहले सुन्नत नो उस दा अकीदा पिया दसेना जिहड़ा अजकल अहले सुन्नत दी मेहरबानी नाल अहले सुन्नत ने अपना एक प्लान बनाया है जिस दे च मैं गुनाहगार दा हिस्सा है उन्हां सुनिया चो मैं ही एक सुनिया सही सुनो सा नहीं नहीं वो यजीदी जेड़े हैं वो होर हैं जिन्हां दी मैं गल पिया करे ना वो ना नौमान दे सुनी हैं ना मिरवान दे सुनी हैं ना शैतान दे सुनी हैं ठीक है ना कि बला वो हजरत इमरान दे सुनी हैं मैं सिर ते कुरान रख के आना और बंदे आखन जो साबित कर किथे ने मैं कबीला ले चना भी खाई तो मैं जाकरी ना छोड़ ठीक है ना कि बला शाबाश अगर तुम्हारी तबीयत रल गई है तो नारा तकबीर अल्लाह जिया कोई नहीं कायनात है जो दी कोई मिसाल नहीं अगर अली ये ताई सजदा करेंदा है मोहम्मद ये ताई सजदा करेंदा है जहरा ये ताई सजदा करेंदी है क्योंकि पहला वली अल्लाह है दूसरा मोहम्मद है तीसरा अली है और आप ही वली है ये ही वली है कदाई तकसीम की तई अल्लाह के वली है अली के वली है शाबाश अल्लाह तुम सलामत रखे अगर इस बुढ़े नाल बोल पयो ना है तदो हाथ बुलंद करके ताकि मन तस्दीक होवे भाई ये अंदरों सुनदे पैन नारा है हैदरी खुश हो के सलवात पढ़ वाले मोहम्मद दी जात ते दुआ करे सब बेटा अल्लाह तुम सलामत रखे मैं तो दसना चाहना जो इमरान दे सुननी क्यों ने कोशिश मेरी भी है इस बलाने च मैं ही हां मेरा काम है सोजियां जाकरा नू मजमून दस के कसीदे दस के ते मैं आप किबला इवाह कैंटे च अदारा है जिथे 1500 खातून ने मेरे अदारे नू वेख के अदारे फे बन दे गल समझ आंदी पई है चूंकि खिदमत कीती है कह तू चंदा नहीं लिया अगर पेट च रिज़्क दे सकदा है तो ज़माने ते ही जिंदा रख सकदा है ठीक है ना किबला अल्लाह तुम सलामत रखे कोई बंदा साबित नहीं कर सकता जो मैं कह तहसील चो मंगे होवे ये 700 किलोमीटर सफर करके आया खलोता चूंकि चौधरी साहब नाल मेरा वादा हा उस आखे अगर मैं मरी वन्या जितने ताई तू जींदा रहे मेरी मजलिस दे अंदर है गल सही अल्लाह तुम सलामत रखे अगर मैं किराया कि सात नाम दिन का पूरा होता ही ना वही दिन का पूरा होता ही अगर दौलत नाल शबीर मिलता तो होर मैं इंजे बने ना गल मेरी समझ आई अल्लाह तुम सलामत रखे दौलत से कमीनों को शराफत नहीं मिलती बंदर के नचाने से इमामत नहीं मिलती अल्लाह तुम सलामत रखे मैं जड़ी गल पिया करे ना जनाब नु समझे मैं कुरान चू मतलब अहले सुन्नत शुरू पिया करे ना इन अल्लाह अस्तफा आदमा व नूहन व आला इब्राहिम व आला इमरान अलल आलमीन जड़ी कमेटी बनी है कबीरा ले शफीक भट्टी उस दा सदर है ये सारे भट्टी जड़े कल चलो सदीदे हैं हुसैन नु मने है तो सारे भट्टी सदीदे हैं गल मेरी समझ आई अल्लाह तुम सलामत रखे ये तरक्की करा देंदे नहीं जेड़े लांतियों मेनू रहमतुल्ला बनवेंदे नहीं जो अली नु बनवेंदे नहीं
जिन्हां दी मां दा निकाह कोई ना होवे ओ मुहम्मद दे हाथ ते अज रखे, कोई कोई शरीदा वलाई, कोई कोई शरीदा वलाई। ये लाई पे चलदी अल्लाह तुल सलामत रखे। ये मैं 80 घर ते अबाना ते आलम लवा के किबला आज चौथा दे भी सिपाह साहबा दे बंदे कबीरा ने नहीं गए होन उन्ना डिठा उन्ना पिछा फोन कीता और चिश्ती नु इत्थे आवे को जिते पहाड़ी टुरदे नजर आंदे पल। गल समझ आंदी पई है? अल्लाह सलामत रखे अजीज मुहम्मद वाले मुहम्मद की कसम उत्थे रहंदे सारे आवान जिवे इत्थे झदर आले ने, जिवे इत्थे झदर आले ना उत्थे आवान ने। और जिमें पांच कसीए च सारे अवान मैं मजलिस पढ़ी अवान आख्या तो साडा जिक्र नहीं करें सा कुतुब शाही है। और मैं आख्या कुतुब शाही केड़े होंगे? एक तो कुतुब शाह सदीले आली दा है, ये तो सौ दे तो नहीं। उन्हें आख्या नहीं असा गाजी की औलाद है। और सुन ले बैठे हो, मैं आख्या तुस आग छोड़िया हो या नहीं? ये रोज़े माशर तुसा ना पीना है। जेड़े जेड़े गाजी की औलाद हो उठी खलो, मैं कुरान मंगाई ना मिंबर ते इत्थे हाथ रख दे वनो। मैं पता लग वने यही हलाल दा है, यही हलाल दा है, यही हलाल दा है, यही हलाल दा। सुन ले बैठे हो, अल्लाह तुल सलामत रखे। ये हर कहनी तबलीग दा अपना रंग है, मनाजरा अपना रंग है, दरस अपना रंग है, आजादारी अपनी रंग है। गणपाल साहब सुने, अल्लाह तुल सलामत रखे। ये तुहाडी चुप की कसम ते तुहाडी गुफ्तगू की कसम ते मिठी गुफ्तगू है मेरे एहतराम वास्ते। ये मेरा एहतराम के मैं तो नुकते चू हाँ, गल समझ आती पई गई। एहतराम है मुहम्मद वाले मुहम्मद दा जिथे अल्लाह हो के सलवात वदा पढ़ दे। शाबाश, अल्लाह तुल सलामत रखे। बंदे आदि अल्लाह शरीक नहीं होता। मर वे दरू दे तेरे नाल खलोता है जा तेन पता नहीं लगा अल्लाह ते अली दा सांगा की तरह है। अल्लाह ते शाबाश। और पिछले ही नारा लाओ, दूसरा नारा हैदरी, तीसरा नारा हैदरी, चौथा नारा हैदरी, पंजवा नारा हैदरी। और मैं ताजुद्दीन नाल ही पढ़े हुआ है, मैं मौलवी इस्माइल नाल ही पढ़े हुआ है। ये जरा जंडीर पढ़ गया दे दादे दे रले जंडीर दे नाल ही पढ़े हुआ है। इन्हें चाचा सड़े दिन मैं कोई अबू जाए ना, गल मेरी समझ आती पी? अल्लाह तुम सलामत रखे। या चाचा ईमान आले नु सड़े दे नी, या किबला मक्के च बेईमान नु सड़े दे नी। गल समझ आती पी है? हुण तू आप समझो, दुआ करे सो किबला। ये सारे अवान उठे, ये हाथ रखते आए, कहे ओले रखिया पहले रखिया। मैं कहे भाई शाबाश, तुहाडा शजरा रलदा या नहीं? मैनू शम्स दी एक बात याद आ गई, अगर आखो तो भाई इतना शम्सिया हुसैन फैलाया है, कहे नहीं फैलाया। जनाब शम्स को लू एक मुसल्ली आ गया, अगर कोई कुटाना बैठे तो नाराज न होया। हे हर कोई आदम दा पुत्र बन वने तन नबी साधा है, जो मुकर वने तो हराम ज्यादा है। ठीक है ना कि बोला ओनू सवानी आख्या रफीका हमदम शरीका कारगार जिंदगी सवानी वजीर आजम काशा समझ सो नसीम आबाद तू कह पूछया है आका ये इरशाद फरमाए मुल्क पाकिस्तान की औरत वजीर आजम हो सकती है? उसका मुल्क पाकिस्तान हमारा घर है, घर की वजीर आजम हमेशा औरत हुआ करती है। सुन ले पे वाला तुम सलामत रखो, दुआ करो शाला औरत सदर न बन बने, शाला उठते न चल बने, शाला जमले चना आवे। गल मेरी समझ आ रही पी? ये हुण आ गए ते न रखे हाथ मुहम्मद वाले मुहम्मद की कसम है। मैं आख्या सारे अवान हो ते सारे गाजी दी। उन्हें आख्या जिया मां अब्बास नहीं औलाद है। मैं आख्या जे सच्चा बनना चाहना ना तो हूँ इस कुरान ते हाथ रख के गया है। दादा अलम हो अलम वाल हो ते पोतरिया के घर अंटीन हो तू हराम दा साबित होना है। अगर कल हलाल दा तो अलम ला पता लगे शजरा ठीक है या गलत है। सुनना बैठा है तू वदा किताब लिखना है जो ओली चुपया पढ़ना ते पहली चुपया पढ़ना ठीक है, दस्ती चुपया पढ़ना ते काली चुपया पढ़ना। ओ किताब वाले कूड़े नहीं, कुरान सच्चाई है, रहमान सच्चाई। घबराए तो नहीं साहबान, ये साडा तरीका है आवण दा। जिवें तंदूर ते दाई ते चुंगा हुंदियां नवारे नाल, इन्हें हर कहें जो अपनी लवा के कामयाबी करनी होगी। गल मेरी समझ आती पी है? अल्लाह हयाती करे
शुक्र इदा दे दरमियान सुर दे बैठे हो ये हुण अर्श ते सुर रखन ते साडियां अगनियां पिछलियां गईयां क्योंकि सानूं पता है ना असां जो टीपां दित्तियां होईयां ये टीपां वालियां दा एहतराम करना पैंदा है ना ਉਹ ਕੀ ਥਾਈ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਮੁਹੰਮਦ ਏ ਵੱਡਾ ਅਲੀ ਏ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠਾ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਾ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਅਬੀ ਬਕਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਏ ਮੁਹੰਮਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈ ਸਾਈਂ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਇੰਝ ਸਾਈਂ ਫਰਮਾਇਆ ਜਦਾ ਦੀਨ ਚ ਮਰਨ ਦਾ ਤਾਲਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਓਏ ਸੁਣ ਸੇ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਕਲ ਆਲਾ ਹੈ ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਕਲ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਵਧਰ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਆਲ ਇਬਾ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆਲ ਇਬਾ ਆਲ ਸੁਨਤ ਬਣੀ ਹੈ ਕਬੀਰ ਆਲੇ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਣੀਆਂ ਦਾ ਜੂਸ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਲ ਇਬਾ ਨਿਕਲੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਬਈ ਤੁਸਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੀ ਬਣਦੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਨੌਬਾਨ ਦੇ ਸੁਣੀਏ ਨੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਸੁਣੀਏ ਨੇ ਹੰਬਲ ਦੇ ਸੁਣੀਏ ਨੇ ਸ਼ਾਫੀ ਦੇ ਸੁਣੀਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅਸਾਂ ਉਸੇ ਦੇ ਸੁਣੀਆਂ ਜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਹਾਏ ਜਾ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛਾਈ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ ਜੀ ਲਗਾਵੇਂ ਮੈਂ ਪਿਸਤੌਲ ਚਬਾਰੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਆਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਛਤਰੀ ਥੱਲੇ ਪਿਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਝੂਠ ਬਰੇਂਦਾ ਹੈ ਲਿਆਕਤ ਫਰੀਦੀ ਨੂੰ ਸੜਿਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਦਾਰਤ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਭਾਈ ਚਿਸ਼ਤੀ ਜੀ ਹੋਏ ਹੋ ਭਾਈ ਸੁਣਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਹ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਸਤ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਅਸਤ ਹੁਸੈਨ ਇਹ ਹਰ ਦੀ ਖਰਾਇਤ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਬਲੋਚਾ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਆ ਖਾਨਾ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਆ ਜੋਈਆਂ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਆ ਚੰਦਰਾ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਆ ਇਹ ਹਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਖਸਲਤ ਕੀ ਬਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਰਾਨ ਕੌਣ ਹੈ ਅਗਰ ਆਖੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਉਹ ਲਾਈਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਮਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਚਲੀ ਵੰਜੇ ਈਮਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲਹਮਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਸੁਨੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ ਸ਼ੀਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ 'ਚ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਸੁਨੀ ਦੀਏ ਨਾ ਸ਼ੀਆ ਦੀਏ ਨਾ ਦਿਓਬੰਦ ਦੀਏ ਨਾ ਬਰੇਲਵੀ ਦੀਏ ਬਹੱਤਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਮਾਈਆਂ ਲੜਦੀਆਂ ਰਾਸਨ ਇਹ ਸੁਣ ਸਹੀ ਚੁੱਕੇ ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਚੁੱਕੇ ਮਾਂ ਜੋ ਹੋਈ ਜਾਗੀਰ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਆ ਪੁੱਤਰ ਸਲੇਮਾਨ ਜੰਮਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚੌਕ ਤੇ ਜੋ ਅਲੀ ਕੌਣ ਆਈ ਤੇ ਯਜ਼ੀਦ ਕੌਣ ਆਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਪੁੱਛਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਚਬਹਾ ਤੇ ਸਾਗ ਪਕਵਾ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਵਾ ਇਥਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਗੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਫਰ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਕੂੜਾ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਇਹ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਬਲਾ ਇਸ ਅਲਹਮਦ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਹਰਫ ਹਨ ਹੁਣ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਵੇ ਨੇ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰੇ ਨੇ ਅਲਹਮਦ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਹਰਫ ਹਨ ਪੰਜ ਅਲਿਫ ਲਾਮ ਹੇ ਮੀਮ ਕਿਤਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪੈਨ ਪੰਜ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਜੇ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹਾਂ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਗਵਾਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਹਿਰਦ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਰਲਾਈਏ ਤਾਂ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਫਤਵਾ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਮਗਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵਿਲਾਇਤ ਅਲਾ ਮੁਜਾਹਿਦ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲਾਇਤ ਅਲੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਮਦ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਹਮਦ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਆਖਿਆ ਸਾਈਂ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀ ਦੇ ਨਾਕਾਰ ਦੀ ਮਨਾਜ਼ਰ ਆਜ਼ਮ ਹਾਂ ਇਸਮਾਈਲ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਚਾਹ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇੰਨੇ ਕਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਲਈ ਵਧੋ ਸੇ ਨਾ ਵਜਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਿਸਮਿਲਾ ਨੇ ਬਿਸਮਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਅੱਲਾ ਕੇ ਨਾਮ ਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਦਕੇ ਤੇ ਬਿਸਮਿਲਾ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾ ਹੈ ਬੋਲੋ ਆਪ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਿਲੋ ਹੋਈ ਜਾਂ ਬਿਸ ਹੋਈ ਇਹ ਮਿਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਬਿਸ ਕੌਣ ਹੈ ਸੁਣਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਮਿਲਾ ਆਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤਸਦੀਕ ਪਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੀਮ ਬੇਦੀ ਅਨਾ ਨੁਕਤਾ ਤੋਂ ਤਹਤੁਲ ਬਾਏ ਅਲੀ ਇਬਨ ਅਬੀ ਤਾਲਿਬ
जो बिस्मिल्लाह के नीचे लुकता है वो गैर नहीं, वो अली इब्ने अबी तालिब है। ठीक है ना किबला? ये हुण मैं दसना चाहना इमरान नु क्यों सुनिया मने है ते गल खत्म पिया करे ना। उन्हें आख्या जो हमद अर्श ते पंजा कीता है, पांच मैं समझावन लगा ना तो छे दे पढ़ सकना, समझना भी तो पल्लू दे हाथ च ही पांजन, शामू दे हाथ च ही पांजन, गामू दे हाथ च ही पांजन, हाथ अगे च करो ना खुदा दे नाँ ते जी, नकाशा देवनी न लवनी, ये तो सामने परचा, ये एक है नहीं या दो है नहीं या चार है नहीं या पांच हैं, ये इधर ही पांच हैं ते इधर ही है ना कि बड़ा तौहीद पांच ते अलहमद पांच। अल्लाह जाने अल्लाह नु पंजा नाल प्यार क्यों है, जो सुन्नी पढ़ता है ताई नमाज़ा पांच हैं, शिया पढ़ता है ताई नमाज़ा पांच हैं। बोल बोल जे नमाजी है ता रोजादारे तो बोल, ए नमाजा पंजन मगर कह दिए नहीं होदिया, जे दरूद न पढ़ी वे ता बिच अलहमद न पढ़ी वे ता, आ मेरे सिर ते कुरान रख, कुरान ए अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबुल रायब फी, ए हे अलहमद पहलू, अलहमद ही पहलू, ए हे कुरान दी मां, बैठे उठ गए हो उम्मुल कुरान सड़े दिन, ए कुरान दी मां है अलहमदुलिल्लाह, ये पढ़िया कहे ये मेरा शेख अंदर मजबूर है वो कहीं तो पिया, एक गल याद आ गई कि तो सारे समझ आवे सी, ये हाल अलहमदु उसने पढ़िया है उच्चा करके, जदा मुहम्मद 25 साल दा हा, जरा वे खदीजा 40 साल दी आई ते निकाह पढ़िया अपने भतीजे दा, अजा मुहम्मद ला इला उच्चा नहीं पढ़िया, जो हजरत इमरान आख्या पढ़ अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जो गरीब बच्चा है ते खदीजा दा साग मिल गए, बस वह माल है ना इलाज बना। सलाना पंजी सफर मजफर दरबार सखी बहादुर अली शहंशाह बादशाह चेला मनाया जाएगा, जिसमें मुल्क भर के नाम और उनवाओ जाकरीन उजाब किताब फरमाएंगे, जाकरीन के नाम पहले भी आपने समाप्त फरमाए, तमाम मुमिनीन से अपील है शरीक पुरसा होकर अजर अजीम हासिल करें, तशरीफ लाती हैं किताब फरमाने के लिए। जाकिर दुनिया का बहुत खूबसूरत नाम, कारी और कसैद मुसव्विर गम मदाय आले मोहम्मद नफीस जाकरीन अदीब जाकरीन शागिर्द खास बाबा सैयद मुश्ताक हुसैन शाह साहब के जनाब जाकिर आले मोहम्मद जहीर मंजूर साहब आप अटक, और इनके बाद जाकिर आली बा मदाय आले मोहम्मद जनाब मुबशर हसन गनपाल साहब, इनके बाद जनाब अजीज अवार माले गुलाम जाफर तैयार साहब आप बेरा के बाद जनाब शबीर हसन शमसी साहब, और उन्होंने बाद जनाब सैयद जलील सैद कादमी के बाद जनाब सैयद इलियास सरदार शाह साहब आप अंसार बखर, और उन्होंने बाद जनाब बाबा सैयद मुख्तार हुसैन शाह बबेगी कदार पर खिताब फरमाए से तशरीफ लाते हैं खिताब फरमाने के लिए। कारी और कसैद मुसव्विर गम मदाय आले मोहम्मद सफीर अज़ा अदीब ज़ाकरीन नफीस ज़ाकरीन जनाब ज़हीर मंजूर साहब अटक बरहमत सैयद बुलंद सलावत।